Hello everyone, this is the second video of About the Artist. Artist के बारे में हमने modern paintings की और Bengal School of Painting की artist के बारे में हमने discussion कर लिया था. अब graphic prints के artist रह गए थे और sculpture के artist रह गए थे, उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं. सबसे पहले artist हैं सोमनाथ होर. ये एक famous print maker थे और sculptor थे, यानी ये प्रिंट मेकिंग यानी कि ग्राफिक प्रिंटिंग भी करते थे और स्कल्पचर्स भी बनाया करते थे. लेक्चरर थे ये एक कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता में, उसमें लेक्चरर भी थे ये, फॉर्मर थे, बट बाद में इन्होंने अपना इंटरेस्ट आर्ट्स के प्रति शिफ्ट कर लिया था. ये इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल फेमाइन, कम्युनल रायट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्स आर क्लियरली विजिबल इन हिज वर्क्स. जो भी मतलब इनके वर्क्स हैं, हमें उनमें किसके सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब बंगाल में फेमाइन आई थी, महामारी आई थी, फेमाइंस, जो फेमाइंस क्या होती है, जहाँ पे भुखमरी वगैरह फैल जाती है, तो फेमाइंस आई थी बंगाल में, तो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, सोशल इश्यूज थे, कम्युनल रायट, दंगे हुए थे, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, जो भी इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके जो डिस्ट्रक्शन हुए थे और जो पुअर पीपल को सहना पड़ा था सब कुछ, उन पे ये बेस्ड है. इनके वर्क्स नॉर्मली उन पे बेस्ड होते हैं, इन थीम्स पे. ये एक सेल्फ ट्रेंड टैलेंटेड आर्टिस्ट थे मॉडर्न इंडिया के, इनको किसी ने सिखाया नहीं, ये खुद ही सेल्फ ट्रेंड आर्टिस्ट थे, स्किल्ड थे. वर्क्स थीम, इनके जो थीम, इनके जो जितने भी ग्राफिक प्रिंट्स हैं या फिर स्कल्पचर्स हैं, उनके नॉर्मली थीम क्या हुआ करते थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी बड़ा टॉपिक था, सोशल इशूज, ह्यूमैनिटी, पुअर, जो इन पे क्राइम, जो ह्यूमैनिटीज पे क्राइम हो रहे हैं उन पे लोगों को अवेकन करना, इनका एकमात्र मोटो था अपनी स्कल्पचर्स या फिर ग्राफिक प्रिंट्स के द्वारा. चाइनीज वुड पेंटिंग, लीनो कट, मल्टी कलर्ड वुड एनग्रेविंग टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स यूज किया करते थे अपने स्कल्पचर्स बनाने के लिए और अपने ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए. चाइनीज वुड पेंटिंग किया करते थे, लीनो कट होता है वो भी एक कटिंग और ग्राफिक प्रिंटिंग का एक डिजाइन कहलाता है. मल्टी कलर, डिफरेंट कलर्स में किया करते थे, वुड की एनग्रेविंग किया करते थे. वर्क्स, इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें हमारे कोर्स में एक चिल्ड्रन नाम की पेंटिंग है, वो इनका फेमस वर्क है. अनक्लैड बेगर फैमिली, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी दुख भरी जो गरीब लोग हैं उनकी ये पेंटिंग्स को बनाया करते थे, ह्यूमैनिटी की पेंटिंग्स को बनाया करते थे. बेगर फैमिली, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, और चिल्ड्रन तो पड़ी हुई है. नेक्स्ट इज ज्योति भट्ट, स्टडीड पेंटिंग अंडर के जी सुब्रमण्यम एट MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा. MS यूनिवर्सिटी थी बड़ौदा में, उसमें के जी सुब्रमण्यम इनके टीचर थे जिनके अंडर इन्होंने पेंटिंग की अपनी स्टडी की थी. ऑल्सो स्टडीड म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं वॉल पेंटिंग्स को म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं, तो इन्होंने वो उसकी कला भी सीखी थी. ग्राफिक प्रिंटर एंड फोटोग्राफर, ये एक ग्राफिक प्रिंटर के साथ होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी थी. इनकी स्पेशलाइजेशन किसमें थी, इंटेलिगो टेक्निक में, इंटेग्लियो टेक्निक थी, इंटेग्लियो टेक्निक उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन थी. वो बहुत ही अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन बनाती थी इंटेग्लियो पेंटिंग में. और इंटेग्लियो पेंटिंग क्या होती है, इंक और मेटल प्लेट का यूज करते हुए, मतलब एक मेटल प्लेट पे हम इंक डालते हैं और उस पर फिर ग्राफिक प्रिंट करके उस पर जब पेपर लगाते हैं तो वो ग्राफिक प्रिंट तैयार हो जाता है, तो वो होती है इंटेग्लियो टेक्निक. फेमस पेंटिंग इनकी देवी हमारे कोर्स में दी हुई है, कुंडलिनी देवी जो है, दैट इज द फेमस पेंटिंग ऑफ ज्योति भट्ट. अनुपम सूद, अनुपम सूद अभी भी एक्टिव है दिल्ली में और वो अभी भी पेंटिंग उनकी जारी है बनना. अनुपम सूद मॉडर्न प्रिंट मेकर और पेंटर है, मॉडर्न एरा के बहुत अच्छे, क्योंकि अभी ऑब्वियसली जितने मोस्ट ऑफ द पेंटर्स की डेथ हो चुकी है और ये अभी भी एक्टिव है, दैट मीन्स ये काफी बाद में आए हैं, इन्होंने काफी बाद में स्टार्ट किया पेंटिंग बनाना और ये काफी मॉडर्निटी को बिलोंग करेंगे. मॉडर्न प्रिंट मेकर है, पेंटर भी है. इनकी जो इंस्पिरेशन आई है वर्क की, वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आई है, जितने इनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं. एक्चुअल में ये फीमेल है, वर्क इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ के एक्सपीरियंस से इनको इंस्पिरेशन मिली है. फेक पीपल इन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में फेक पीपल होते हैं, जो झूठी सहानुभूति दिखाते हैं लोगों के प्रति, उनके थीम्स हैं इनकी स्टोरी. ह्यूमन फेलियर, जो ह्यूमन फेल होता है अपनी लाइफ में, उनके ऊपर है. मेल एंड फीमेल सेक्सुअलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ये उनके कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे उनको अपने काम करने की इंस्पिरेशन मिली और उनके वर्क में कहीं ना कहीं इन चीजों को दर्शाया गया है. इनका वर्क है ऑटम, ऑटम नाम का इनका वर्क बहुत ज्यादा फेमस है. ऑटम नाम की इनका जो एक पेंटिंग है वो काफी ज्यादा जानी मानी पेंटिंग मानी जाती है. एडम ईव, पुरुष एंड प्रकृति, दीज आर द अदर प्रोमिनेंट आर्टवर्क्स. अवार्ड्स इनको मिला है प्रेसिडेंट्स,
प्रेसिडेंट ने इसको, और प्रेसिडेंट ने इनको गोल्ड प्लेक दिया है, एक सोने की पट्टी एक सम्मान के रूप में दी जाती है, वो दी गई है इनको। साहित्य कला अवार्ड इनको मिला है। ये एक ग्रुप 8 बना था, प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक प्रिंटिंग को प्रमोट करने के लिए एक ग्रुप 8 बना था। ये उसकी फाउंडर थी, ग्रुप 8 की फाउंडर थी ये, जो कि प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक प्रिंटिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज के लक्ष्मा गौड़। ये भी एक पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। ये आर्ट पढ़ाते भी थे, टीच भी किया करते थे हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में। इनको इनके वर्क के इंस्पिरेशन, मतलब जो ये पेंटिंग्स बनाते थे, ये किससे इंस्पायर हुए थे, ये अपने चाइल्ड, जो इनकी ग्रामीण जो जिंदगी बीती है, छोटे होते जब ये ग्रामीण इनकी जो जिंदगी बीती है, उसके एक्सपीरियंसेस से ये अपने वर्क्स को बनाया करते थे। इनकी जो पेंटिंग्स थी, मेन पेंटिंग्स थी, उनके थीम्स क्या क्या थे, कल्चरल, ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड्स, वेजिटेशन, नेचर, मतलब ग्रीनरी और वेजिटेशन और मैन मैन और वुमेन की एनाटॉमीज, ये सब इनके फेमस आर्ट वर्क्स थे और थीम्स थे उनके। इन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इज यूनिक स्टाइल ऑफ पावरफुल लाइन ड्राइंग्स। इनकी जो लाइन की ड्राइंग्स थी, मतलब इनका जो एक तरह से अपने आर्ट में जिस प्रकार से लाइंस को बनाया करते थे, लाइंस कभी कर्व्ड और सही जगह पे सही लाइंस का, सही टेक्सचर का यूज करना, ये इनको बहुत अच्छे से आता था और इसी वजह से जाने माने पेंटर थे, एक और ग्राफिक पेंटर भी थे। इनको सरकार की तरफ से पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी वन ऑफ द मोस्ट रिनोड आर्टिस्ट थे, बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे। फेल्ट माइथोलॉजिकल थीम्स अन इंटरेस्टिंग। इनके लिए, इनको ऐसा लगता था कि जो भी माइथोलॉजिकल थीम्स हैं वो बहुत बन चुके हैं और वो अब अन इंटरेस्टिंग रह गए लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि खुद देख लीजिए, जो भी पुराना मिनिएचर पेंटिंग का दौर था और ये बंगाल स्कूल की भी जितनी पेंटिंग थी, उसमें भर भर के माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको सही पता चल गया कि जो अब माइथोलॉजिकल थीम्स है, ये अब अनइंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो इन्होंने कैसे थीम्स बनाना शुरू किए, इन्होंने वर्सेटाइल थीम्स बनाना शुरू किए। इन्होंने क्या किया, क्ले, पीओपी, ब्रॉन्ज कास्टिंग करके इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए। पीओपी ऑब्वियसली स्कल्पचर्स के कास्टिंग के लिए काम आती है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के सरफेस पे बनाया करते थे, क्ले का यूज किया करते थे। ये एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे, ये रियल चीजें बनाते थे, काफी रियल चीजें, जैसे कि इनकी पेंटिंग, एक वो पेंटिंग नहीं, इनका एक स्कल्पचर दिया हुआ है सिलेबस में, दैट इज ट्रम्प ऑफ लेबर। तो दैट इज वेरी रियल कि वाकई में एक जो लेबर की जीत हो रही है, एक रॉक को हटाने में जो वो कर रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके मसल्स के ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वो काफी रियलिज्म को शो करते थे। इनकी एक्सपर्टीज थी इन डेलिनेटिंग फिजिकल एनाटॉमी, एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लेबरर्स। अभी बताया मैंने, मसल्स ऑफ लेबर्स इन्होंने इतनी अच्छे से शो किया है कि एक्चुअल में वो हमें फील हो पा रहा है बैठे बैठे कि कितना ज्यादा वो पेन, मतलब वो मेहनत जो कर रहे हैं लेबरर्स उठाने में उस रॉक को, वो हमें फील हो रहा है। किस प्रकार का उनका एक्सपर्टीज था डेलिनेट करने में चीजों को। फर्स्ट इंडियन टू स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज पे स्कल्पचर बनाने वाले ये पहले इंडियन आर्टिस्ट थे। ये ललित कला एकेडमी के भी डायरेक्टर थे और यूनेस्को आर्ट सेमिनार जो कि जापान में हुई थी, उसके भी डायरेक्टर थे। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं ट्रम्प ऑफ लेबर, जो कि हमारे सिलेबस का है, बाकी ग्रीन एंड गोल्ड और ब्रिज, ये भी इनके कुछ फेमस स्कल्पचर्स हैं। देन राम किंकर बैज, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप ही सीखे हुए आर्टिस्ट हैं ये। गॉट एडमिशन इन काला भवन। काला भवन पहले भी जिक्र हुआ है, विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी का एक नेशनल स्कूल था काला भवन, जिसके नंदलाल बोस प्रिंसिपल थे। तो इनको काला भवन में जब एडमिशन मिला, तो ये नंदलाल बोस के चेले बन गए, नंदलाल बोस के ये शिष्य बन के रहे। मेड इनोवेटिव स्कल्पचर्स, इन्होंने बहुत इनोवेशन से परिपूर्ण, क्रिएटिवनेस से परिपूर्ण इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए। इनको गोल्ड मेडल मिला, कब मिला था गोल्ड मेडल, जब इनकी एक सीता एग्जाइल नाम की पेंटिंग जो कि बहुत फेमस हुई और वो दिल्ली की जब इन्होंने एग्जीबिशन में रखी, तो इनको गोल्ड मेडल मिला। और उस टाइम पे इनकी एज मात्र 15 साल की थी, जब इन्होंने अपनी पहली पेंटिंग सीताज एग्जाइल बनाई और उसको गोल्ड मेडल मिला दिल्ली की एग्जीबिशन में। बड़ी ही फेमस पेंटिंग हुई है। इंडिविजुअल स्टाइलिस्टिक, ये इंडिविजुअल स्टाइल, मतलब इनका खुद का अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल था, दूसरों दूसरे स्कल्पचर, दूसरे प्रिंटर या दूसरे ग्राफिक प्रिंटर से बहुत अलग स्टाइल था इनके, इनमें कुछ यूनिकनेस थी, इनमें कुछ नई बात थी। ये क्या करते थे, इजिली अवेलेबल मटेरियल से स्कल्पचर्स बनाते थे। जैसे कि मान लो जो बड़े बड़े अमीर स्कल्पचर्स हैं, वो तो चलो ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, जिंक, महंगी महंगी चीजों से बनाया करते थे स्कल्पचर्स, और ये क्या, सीमेंट, कंक्रीट और सॉइल, सैंड, इन सबसे बना लिया करते थे।
जो उनको इजीली अवेलेबल मिल जाती थी। एक इनका कारण ये भी था कि ये पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, तो पुअर फैमिली को बिलोंग करने के बाद इनके पास खुद स्कल्पचर्स बनाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये बहुत ही जो इजीली अवेलेबल चीजें होती थी जैसे कि कंक्रीट, सीमेंट, उन सबसे ये स्कल्पचर्स बना लिया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में लिखने के लिए। इनके वर्क्स में कुछ आते हैं संथाल फैमिली, जो कि हमारे सिलेबस में दिया है। संथाल फैमिली में क्या है, एक मैन, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड और एक डॉग, इन्होंने डेलिनिएट किए हैं बड़े खूबसूरत से। एक डॉग पेंटिंग है इनकी और एक सुजाता नाम की इनकी स्कल्पचर है। ओके, नेक्स्ट अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल आर्टिस्ट और स्कल्पचर होने के साथ साथ एक पोएट और फिलोसोफर भी थे। फिलोसफी करते थे, पोएट, पोएम्स भी लिखी है इन्होंने। स्कल्पचर और आर्टिस्ट तो थे ही है। फॉर्मर इंजीनियर, ये इन्होंने ये साइंस ग्रेजुएट थे, अमरनाथ सहगल साइंस ग्रेजुएट थे और ये इन्होंने काफी साल इंजीनियरिंग का भी काम किया है, पर खुद को इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इंजीनियरिंग में, और इनका जहाँ पे इंटरेस्ट था दैट इज द आर्ट, उसमें इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली बाद में और फिर उसमें प्रोसीड करा इन्होंने आगे का करियर अपना। द आर्टिस्ट विटनेस द रायट्स दैट लीड टू द इंडो पाकिस्तान वॉर। इन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया जब इंडो इंडियन और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था और जो पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, जब पार्टीशन हुआ था, तो इन्होंने विटनेस किया था वो अपनी आंखों से, इसलिए लोगों के दुख दर्द को जानते थे, समझते थे। ही फेल्ट द पेन एंड किलिंग इनोसेंट पीपल। अब दंगे रायट्स झगड़े हो रहे थे तो लोग थे वो बुरी तरीके से मारे जा रहे थे, तो उनके पेन को ये समझते थे, दैट रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्क। और ये कहीं ना कहीं उनके कामों में भी दिखाई देता है, जो भी उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं, उन्होंने जो भी पेंटिंग्स, आर्टिस्ट पोएट्रीज लिखी हैं, उनके वर्क में ये जरूर हमें दिखाई देता था कि उनको कितनी तकलीफ होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ विटनेस किया था, जो भी पुअर पीपल मर रहे थे, दंगे पूरे हो रहे थे। इनकी जो थीम्स हैं वर्क्स के इनके, वो क्या है, सोशल इश्यूज के ऊपर ये बनाया करते थे। फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम, एक इंसान को आजादी मिलनी चाहिए उस पर बनाया करते थे। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन की जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर बनाया करते थे। ही वॉन्टेड टू अवेकन सोसाइटी टुवर्ड माइजरीज ऑफ मैनकाइंड। ये सोसाइटी को जगाना चाहते थे उन लोगों के प्रति जो बहुत ही ज्यादा दुख से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो माइजरी, कष्ट और दुख में जिन्होंने जकड़ा हुआ है, जिनको जकड़ा हुआ है, उनको, उनके दुखों को ये सोसाइटी को अवेकन करना चाहते थे उनके दुखों के प्रति, ताकि सोसाइटी इनके ऊपर तरस खाए, इनसे प्यार करे। इनको सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके कुछ वर्क्स थे क्राइज अनहियर्ड, और ये क्राइज अनहियर्ड जो है, इसमें क्या डेलिनिएट किया हुआ है उन्होंने, एक मैन है, एक वुमेन है और उसका चाइल्ड है, वो तीनों ऐसे हाथ ऊपर करके पुकार लगा रहे हैं, हे गॉड, हमारी बहुत यहाँ पे इस वर्ल्ड में हम पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आप प्लीज कुछ कीजिए हमारे लिए। तो इस जो क्राइज अनहियर्ड में जो स्कल्पचर बनाई थी, उनकी चीख इतनी तेज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे, इस कल्चर पे गोल्डन स्ट्रिप सम्मानित कर दी गई, एक गोल्डन पट्टी सम्मान के रूप में इस पेंटिंग को दी गई। इन्होंने फ्लोटिंग क्राइज, एंग्विश क्राइज, सब में क्राइज, दुख भरी स्कल्पचर बनाया करते थे। ओके, नेक्स्ट इज पीवी जानकी राम। पीवी जानकी राम इन्फ्लुएंस बाय, इनके अंदर नाम में लग रहा है कि ये ट्रेडिशनलिस्ट होंगे, जानकी, श्री राम जानकी, तो ये पीवी जानकी राम ट्रेडिशनलिस्ट थे बहुत बड़े। इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन टेम्पल स्कल्पचर्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स थे उनके स्कल्पचर्स बनाया करते थे ये। ही यूज बीटन मेटल शीट्स टू क्रिएट टू डायमेंशनल पिक्टोरियल स्कल्पचर्स। जो इनके स्कल्पचर्स होते थे उसमें ये किसका यूज करते थे, मेटल, मेटल को पीट पीट के पतला बनाया करता था और फिर वो 3D से 2D में कन्वर्ट हो जाया करते थे और उसको फिर वो यूज किया करते थे। इनकी जो थीम्स थे वो ऑब्वियसली ट्रेडिशनलिस्ट, रिलीजियस, महाभारत, रामायण, हिंदू डीटीज, नेचर, नेचर भी इनके काफी हमें स्कल्पचर्स में नेचर का वर्णन देखने को मिला है। स्कल्पचर मेड बाय हिम आर ऑर्नामेंटेड विद कॉपर एंड थिन वायर्स। इनके जितने भी स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हैं वो सजे पड़े हैं, उनके कॉप यहाँ पे नेकलेसेस होंगे या फिर वायर से वो सजे होंगे, कॉपर उन पे शाइन कर रहा होगा, और ऑर्नामेंट मतलब जो कॉपर है और वायर्स है वो एज ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते हैं इनके स्कल्पचर्स में। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो गणेशा, गणेशा को जब आप देखेंगे, आपके कोर्स की पेंटिंग गणेशा को जब हम देखेंगे तो उसमें भी ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज, टिन, जिंक की और कॉपर की ये पेंटिंग बना, वो स्कल्पचर बनाया गया है जिसमें वायर से ऑर्नामेंट किया गया है पूरे गणेशा को, उसमें रेड और येलो पैचेस भी कलर्स के दिखाई दिए हैं हमको। इन्होंने कृष्णा, गरुड़, फ्लूट प्लेयर्स नाम की भी आर्टवर्क किए हैं। इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिस्ट
ऑफ स्कल्पचर्स एंड ग्राफिक प्रिंट्स। अब अबाउट द आर्टिस्ट पूरा खत्म हो चुका है दोनों वीडियोस के अंदर। नाउ ये हमने जो छोटी समरीज थी ये हमने डिस्कस कर ली थी पहली वीडियो में, बंगाल स्कूल की और मॉडर्न इंडियन आर्ट की भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। चिल्ड्रन जो पेंटिंग है उसके सोमनाथ हो रहा है, चिल्ड्रन पेंटिंग कौन सी है? चिल्ड्रन पेंटिंग है एक मदर और उसके तीन जो सन है वो भुखमरी के शिकार के कारण खड़े हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और एक गर्ल है वो उनको इग्नोर करते हुए जा रही है, वो पॉवर्टी पे बेस्ड पिक्चर है। तो वो भी क्या है, वो कॉपर प्लेट पे बनाई गई है, उसका मीडियम क्या है, कॉपर प्लेट, ग्राफिक प्रिंट है, कॉपर प्लेट पे बनाई गई है। ग्राफिक प्रिंट की जितनी भी टेक्निक, मतलब ग्राफिक प्रिंट जितने भी हैं उनकी मेजरली एक टेक्निक है एचिंग एंड एक्वाटेंट। एचिंग एंड एक्वाटेंट क्या होता है, कुरेद कुरेद के ग्राफिक प्रिंटिंग है ना, तो जो एनग्रेविंग करते हैं कुरेद कुरेद के, उसको एक प्रिंट के तौर पे तैयार करते हैं, फिर उसमें इंक भर के उस पर पेपर की छाप छोड़ते हैं। तो चिल्ड्रन नाम की पेंटिंग सोमनाथ होरे ने बनाई थी, कॉपर प्लेट पे बनाई थी। एचिंग एंड एक्वाटेंट टेक्निक इज कॉमन इन ऑल ग्राफिक प्रिंट्स। देवी पेंटिंग कुंडलिनी देवी, जिसमें वो योगिक एक्सरसाइज करने से जो हमारे अंदर जो एक अलौकिक वो होती है, चमक होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, सुपर नेचुरल पावर्स जो हमारे अंदर जागृत होती है उस पे बेस्ड देवी पेंटिंग है, जो कि ज्योति भट्ट ने बनाई है, ज्योतिंद्र भट्ट इनका पूरा नाम है। ये ब्रास के सरफेस पे बनाई गई है, ये वाली पेंटिंग कॉपर के प्लेट पे बनाई गई थी, ये ब्रास सरफेस पे बनाई गई है। ब्रास एक अलॉय है, इनकी भी टेक्निक एचिंग है कॉमन। ऑफ वॉल्स एक पेंटिंग है जिसमें एक विडो बैठी है और उसका पति, उस जिसकी सिर्फ टांगे दिख रही है और लोअर पोर्शन दिख रहा है, वो लेटा हुआ है और हमें दिखाया गया है कि उस महिला के जीवन में कितनी ज्यादा कष्ट और दुख है। जब वो चाइल्डिश थी तब वो काफी मस्ती किया करती थी, बट अब उसकी जिंदगी बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी बन चुकी है। तो ऑफ वॉल ये पेंटिंग थी और इसको अनुपम सूद ने बनाया है, मीडियम पेपर पे बनाई गई है पेंटिंग और टेक्निक इसकी लिथोग्राफिक। लिथोग्राफिक थोड़ा रॉक कट होती है, वॉल्स रॉक्स इन सबसे रिलेटेड होती है लिथोग्राफी। मैन वुमेन एंड ट्री, मैन वुमेन एंड ट्री लास्ट ग्राफिक प्रिंट था जिसको के लक्ष्मण गॉड ने बनाया था, पेपर पे बनाया था, एचिंग एंड एक्वाटेंट पे बनाया था। ओके इस टेक्निक पे यूज करके, इसमें मैन वुमेन एंड ट्री में क्या है, ट्रीज है, एक तरफ एक वुमेन बैठी है ब्यूटिफुल साड़ी में, एक तरफ एक यंगलिंग एक यंग मैन बैठा है जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, बट ड्यू टू द सम कंसिडरेशन एंड ऑब्लिगेशन दे कैन नॉट डू सो एम्ब्रेसिंग एंड ऑल। ओके देन स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स में पहला है ट्रम्प ऑफ लेबर, जिसमें लेबर की विक्ट्री हमको दिखाई दे रही है, जब वो एक रॉक को उठा रहे हैं और उनकी विक्ट्री दिखाई दे रही है कि यूनिटी और टीम वर्क में कितनी पावर है। तो उसको डीपी रॉय चौधरी ने बनाया है और वो ब्रॉन्ज और सीमेंट से बनाया गया स्कल्पचर है, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ स्कल्पचर बनाया गया है ब्रॉन्ज और सीमेंट से। संथाल फैमिली राम किंकर बैज ने बनाया, संथाल फैमिली का डिस्कशन हम कर चुके हैं, एक डॉग और एक चाइल्ड और एक मैन और एक वुमेन थे जो कि लोड्स उठा के चल रहे थे, जंगल जंगल का एरिया है वो, और क्योंकि राम कंकर बेज जो थे वो इजिली अवेलेबल मटेरियल से बनाया करते थे तो इन्होंने सीमेंट कंक्रीट से बनाया था ये पेंटिंग, और इसका कलेक्शन शांति निकेतन में है। बाकी के कलेक्शन इसका अलग से याद रखने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसके अलावा जितने भी है ना वो सारे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है, तो इसलिए ये बस अकेला शांति निकेतन में वेस्ट बंगाल में है। क्राइज अनहेयर्ड, क्राइज अनहेयर्ड बता चुका हूँ, अमरनाथ सहगल ने बनाया है, ब्रॉन्ज पे बनाया है। गणेशा, गणेशा लास्ट था, पीवी जानकी राम ने जिसको बनाया, अभी हमने डिस्कस किया पीवी जानकी राम के बारे में। गणेशा जो स्कल्पचर था वो पूरा ऑक्सीडाइज कॉपर से बनाया गया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन जब हुआ, जब वो थोड़ा सा कॉपर से ये बनाया गया है, टिन जिंक की वायर्स का भी इसमें यूज किया गया है और वायर से पूरा इसको ऑर्नामेंट किया गया है, तो और रेड पैचेस और हमें इसमें पिंक पैचेस भी देखने को मिलते हैं कलर्स के, तो बड़ी खूबसूरत सी ये स्कल्पचर बनाया गया है और इसमें जो गणेशा है वो डांसिंग पोज में दिखाए गए हैं हमको, इसकी एचिंग एंड एक्वाटेंट टेक्निक से इसको बनाया गया है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट्स एंड स्कल्पचर्स। Thank you. Best of luck for painting exams.